अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने जा रहे हैं और 2.6 का पार्ट वन करेंगे, जिसपे हम डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.5 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट वन शुरू करने जा रहे हैं और 2.6 का पार्ट वन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। लॉग को यूज करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता दें, राइट? तो स्टूडेंट अपना काम हम शुरू करेंगे इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेट एक्स इज इक्वल्स टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है जिसके हमने वैल्यू निकालनी है वो एक्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड पे हम लॉग लिख दे रहे हैं। इस साइड पे भी आ जाएगा लॉग एक्स और इस साइड पे भी आ जाएगा लॉग, और जो नंबर है वो ब्रैकेट में आ जाएंगे 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब स्टूडेंट लॉग की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन दोनों का अलग अलग लॉग ले लीजिए। एम का अलग लॉग लीजिए और लॉग एन का अलग लीजिए, बीच में लगा दें प्लस का साइन। तो यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करने जा रहे हैं। ये है लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, पहले हम लॉग ले लेंगे 57.86 का, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लॉग ले लेंगे 4.385 का। अब स्टूडेंट ये नंबर है 57.86, इसका लॉग लेना है, और यहाँ पे है 4.385, इसका भी हमने लॉग लेना है। अब ये लॉग आप लॉग टेबल जो हमारे पास है वहां से भी ले सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप लॉग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इससे निकालना है लॉग टेबल से, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 57.86। अब इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक्स चेक करें तो इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे होना चाहिए था। जब पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव, और वन डिजिट रोटेट किया है तो वन, तो करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू तो आ गई वन। और अगर मेंटिसा की बात करें तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें टेबल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉइंट को छोड़ते हुए 57.86 इसका हम देख लेते हैं लॉग बुक में क्या रिजल्ट आ रहा है। लॉग टेबल हम निकाल लेते हैं 57.86 का। यहाँ पे ये लॉग टेबल है हमारे पास 57.57, ये हमारे पास यहाँ पे है, ये है 57.57 ये वाला है, और 8 आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये वाला नंबर है 7619, और नंबर था 5786 ना। और यहाँ से हम 6 पे देखेंगे मेन डिफरेंस ये आ गया है 5, तो इसमें प्लस करवा देंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 5 14, ये हो जाएगा 2, ये 6, ये 7, 7, 6, 2, 3। तो इसको हम ये 7, 6, 2, 4 है, तो वापस से यहाँ पे जाके मेंटिसा आया है 7, 6, 2, 4। तो उस तरह से हम क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है, 0.7624। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है इसका, तो इसको जब प्लस करवाएंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7624। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा 1.7624।
और इसी तरह से इसका भी लॉग निकाल दीजिए, 4385। तो 43 8 कॉलम में जाके देखिए और फिर 5 के साथ ऐड करवा दीजिए, मेन डिफरेंस 5 पे जो भी नंबर होगा। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका 0 होगा कि भाई पॉइंट तो ऑलरेडी अपनी जगह पे ही मौजूद है। तो अब हमने लॉग निकालना है 4.385। उसका जब लॉग निकालेंगे, चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6420। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4044। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एंटी लॉग जब लेंगे यहाँ पे, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा। और यहाँ पे एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा किसका, एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा 2.4044। अब ये 2.4044, अब ये शुरू वाला जो नंबर है, ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर 4044 पे जाके आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए, और जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 253.7, 253.7। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 था, तो इसका मतलब है ये 2 इस तरह, और ये पॉजिटिव का 2 था, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे आगे लगेगा, तो इसका रिजल्ट होगा 253.7। तो इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, एक्स की वैल्यू जो हमें लॉग के जरिए से कैलकुलेट करनी थी उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो नंबर हमारे पास है ये है 25.753 × 0.5341 × 490.8। अब स्टूडेंट इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से। सबसे पहले इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 25.753 × 0.5341 × 490.8। नाउ वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसको लॉग के जरिए से ही सॉल्व करना है। सो वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा लॉग एक्स, और दूसरी साइड पे भी लॉग, और अंदर 25.753 × 0.5341 × 490.8। अब स्टूडेंट अगेन हमारे पास जो लॉग का एक रूल है कि अगर आपके पास लॉग में दो नंबर या तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप क्या करें, इन सबका अलग अलग लॉग ले लीजिए और बीच में डाल दें प्लस का साइन। तो हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी यही काम करेंगे कि ये हो जाएगा लॉग 25.753, इसका अलग लॉग लेंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, फिर लॉग लेंगे हम 0.5341 का, फिर हम लॉग लेंगे 490.8 का। अब स्टूडेंट इन तीनों नंबर्स का हमने अलग अलग लॉग लेना है। अब चाहे तो आप लॉग टेबल से लीजिए, चाहे तो आप कैलकुलेटर से लीजिए, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपने किसके जरिए से सॉल्व करना है। तो अगर मैं कैलकुलेटर से लॉग निकालूं 25.753, इसका लॉग हम निकालें अगर, तो ये आता है 1.4108, यहाँ से 1.4108 आता है। फिर हम लॉग निकालते हैं किसका, 0.5341। इसका जब हम लॉग निकालेंगे तो उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, -0.2724। फिर लॉग निकालेंगे हम 490, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.8 का, तो इसका रिजल्ट आएगा 2.6909, राइट। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4108 - 0.2724,
प्लस 2.6909। तो लॉग एक्स, इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए कैलकुलेटर में डाल के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.8292। अब ये लॉग खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग की वजह से ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रह जाएगा, और अब हमने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है किसका, 3.8292। मैंने आपको कैलकुलेटर से भी एंटी लॉग लेना सिखाया था, यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपको। कैलकुलेटर में हमारे पास ये, मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, ये देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर में। अब हमने एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर में 10 की पावर ये एक्स वाला बटन मौजूद है, तो हमने किस तरह से लेना है इसको, जिसका एंटी लॉग निकालना है, हमने निकालना है 3.8293 का, 93 का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग का बटन दबाया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 3.8293 था जब हमने कैलकुलेटर से किया। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं दोबारा से, तो और लेते हैं यहाँ पे हम 3.8293 8293, और इसका एंटी लॉग तो मैंने आपको बताया था 10 की पावर x लिखा गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 6749। अब 6749 है, चाहे तो इसको 6749 लिख दें, या इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 49 के बाद 0.9 है, तो 6750 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही निकाल लिया, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6750। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग लॉगरिथम्स, लॉग टेबल की हेल्प से या लॉग की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ये है हमारे पास जिसपे हमने वैल्यू निकालनी है, और ये नंबर 3 है जिसमें 25.753, और डिनोमिनेटर में है इसके पास 0.5341। उसी तरह से यहाँ पे हम अपना काम शुरू करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। फिर यहाँ पे लिख भी देते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x, और यहाँ पे भी लॉग, और साथ में 25.753 और डिनोमिनेटर में 0.5341। अब स्टूडेंट अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा कि अगर आपके पास लॉग m अपॉन n की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप पहले लॉग m लीजिए जो न्यूमिरेटर में है उसका लॉग लीजिए, बीच में माइनस का साइन डालिए और लॉग n ले लीजिए। तो यहाँ पे यही काम हमने करना है, लॉग x इक्वल हो जाएगा, पहले हम लॉग लेंगे न्यूमिरेटर का, न्यूमिरेटर में क्या है 25.753, फिर माइनस करवाएंगे लॉग n क्या है 0.5341, राइट। अब लॉग निकालना है 25.753 का, चाहे तो आप कैलकुलेटर में आइए, कैलकुलेटर कैलकुलेटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हम लॉग निकाल लेते हैं। इसका लॉग निकालना है 25.753, 753 इसका लॉग, तो ये आ जाएगा 1.4108।
1.4108, तो ये हो जाएगा 1.4108, और इसी तरह से इसका लॉग निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस में 0.2724, राइट। तो आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.4108 प्लस 0.2724, अब इसको माइनस करना है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1.6832। अब लॉग खत्म करना है, वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी, जब आप एंटी लॉग निकालेंगे किसका, 1.6832 का। कैलकुलेटर में जाते हैं, 1.6832 का एंटी लॉग निकालते हैं, 1.6832, ये एंटी लॉग के लिए ये वाला बटन 10 की पावर x, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 48.21। तो ये वापस से पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 48.21, तो यही हमारे पास तो फाइनल रिजल्ट है 48.21। और अगर आप चाहते हैं कि इसको चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर आपको गिवन है, ये जो नंबर, ये वाला नंबर आपको गिवन है, इसको कैलकुलेटर में डालिए, सिंपल, कोई लॉग वॉग नहीं लगाना, 25.753 को डिवाइड करवाइए 0.5341 से, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, यानी कि 48.21 ही आएगा। तो इस तरह से कंफर्म भी हो जाएगा कि आपका रिजल्ट ठीक आया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर फोर, और पार्ट नंबर फोर में हमारे पास है 790.6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 30.32 और डिवाइड होगा 25.753 के साथ, तो इसको भी हमने उसी तरह से लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हमने इसको दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स और दूसरी साइड पे हो जाएगा लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और डिवाइड होगा 25.753 के साथ। अब यहाँ पे दो नंबर न्यूमिनेटर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड आ गया और ये है डिनोमिनेटर, तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, जो न्यूमिनेटर में लिखे हुए नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे, यानी कि बीच में प्लस का साइन और दोनों का लॉग अलग अलग, लॉग 30.3, और फिर जो डिवाइड हो रहा है उसके लिए माइनस का साइन आता है और लॉग लगाएंगे हम किसके साथ, 25.753 के साथ, राइट। तो इसमें हमने दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं, कौन से दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला था जिसमें लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन था, इसमें क्या होता था कि आप लॉग एम अलग लीजिए, बीच में प्लस का साइन लगाइए और लॉग एन लीजिए, फिर दूसरा फॉर्मूला था जिसमें एम अपॉन एन होता था, तो इसमें ये होता था कि लॉग एम न्यूमिनेटर को अलग लीजिए और डिनोमिनेटर को आप अलग लीजिए, तो हमने ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर दिए। अब मुझे यहाँ पे लॉग लेना है, 790.6 का लॉग लेना है, तो यहाँ पे चाहे तो कैलकुलेटर से ले लें या चाहे तो आप टेबल से ले लें, तो यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं 790.6 का लॉग, लॉग लेंगे तो उसका रिजल्ट आया है 2.8979, तो यहाँ पे आके पुट कर देंगे 2.8979, और 30.32 का लॉग लेंगे उसी तरह से 1.4814, फिर 25.753 का लॉग लेंगे 1.4108,
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करवा देंगे ये वाली टर्म, तो प्लस करने से आएगा 4.3793, फिर माइनस करवा देंगे 1.4108, तो लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2.9685। नाउ अब लॉग खत्म करना है, सो वी हैव टू टेक एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पे हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा किसका, 2.9685। अगर कैलकुलेटर से लेना है एंटी लॉग तो कैलकुलेटर से ले लेते हैं, और अगर टेबल से लेना है तो आप टेबल से भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे ले सकते हैं, 2.9685, और ये 10 की पावर x को प्रेस करेंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 930.03 है, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो सकता है, के बाद एक दो डिजिट अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, 930.03 है तो हम ये मेंशन कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 930.1 करते हैं, 0.03 लिखा है, इट्स अप टू यू, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 930.1। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, पार्ट फोर को भी हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5, और पार्ट 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 5 में है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23.34, तो पैटर्न इसका भी वही है, ये हमारे पास हो जाएगा लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2391 इंटू 30.72, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23.34। नाउ वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 2391 इंटू 30.72, डिनोमिनेटर में 23.34, राइट। अब स्टूडेंट उसी तरह से जो न्यूमिरेटर में दो नंबर है तो लॉग जब अप्लाई होगा तो 2391 बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, फिर लॉग लगाएंगे हम 30.72, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ माइनस लगा के हम लॉग लगा देंगे। अब लॉग निकालना है 2391 का, लॉग 2391, तो पहले लिखेंगे 2391 और इसका लॉग क्या आ जाएगा, 3.3786 हो जाएगा। इसी तरह से 30.72 का भी लॉग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.4874, और जब इसका लॉग निकालेंगे तो 1.3681। अब इसको प्लस कर दीजिए और इसके साथ इसको माइनस करवा दीजिए, तो जब माइनस करवाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू आएगी 3.4978। नाउ वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां से तो एक्स रह जाएगा और यहां से एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें 3.4978 का, तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ पे 3.4798 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.4749,
3.4978 एंटीलॉक के लिए 10 की पावर x का बटन प्रेस करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया 3146.299, 3146.29। तो यहाँ पे लाके हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3146.29। चाहे तो उसको राउंड ऑफ करके 3147 ही लिख लीजिए, लेकिन हमने जो कैलकुलेटर में आंसर आया था वही लिख दिया 3146.29। राइट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो पार्ट 6 की तरफ चलते हैं, पार्ट 6 इसका है, पार्ट 6 ले लेते हैं। ये है 99.87 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसी तरह से, लेट करेंगे कि ये एक्स के इक्वल है 99.87 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। फिर अब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 99.87 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी दो रूल लगेंगे। पहला रूल लगेगा इस पे एम अपॉन एन वाला, यानी कि अगर एक न्यूमिरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है तो आप पहले न्यूमिरेटर का लॉग लीजिए फिर डिनोमिनेटर को माइनस करवा दीजिए इस तरह से, और अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, प्लस करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है ये जाएगा लॉग 99.87 और फिर माइनस हो जाएगा क्या ये पूरा लॉग, लॉग अब मल्टीप्लाई वाला लिखते हैं 8.369 मल्टीप्लाई बाय सॉरी अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना आपस में, तो लॉग 0.785। अब लॉग 99.87 निकाल लीजिए, ये आएगा आपके पास 1.9994। फिर लॉग 8.369 निकाल लीजिए, ये आएगा 0.9226 और प्लस माइनस माइनस होता है। फिर हम लॉग निकालेंगे 0.785 का, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में 0.1051। तो यहाँ पे है 1.9994 माइनस होगा 0.9226, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.1051। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2.1045 और इसमें से माइनस करवा देंगे तो लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.1819। नाउ वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स रह जाएगा और दूसरी तरफ एंटी लॉग निकालेंगे हम इसका 1.1819। अब 1.1819 का एंटी लॉग 1.1819, ये 10 की पावर x वाला बटन प्रेस कीजिए तो रिजल्ट आ गया 15.2019 या 15.20 पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, तो 15.20। यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया और यही हमारे पास x का फाइनल रिजल्ट है।
इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे पार्ट्स कर लिए। आगे की पार्ट्स देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।